नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आपका अच्छा रहा होगा। राशि के अनुसार जो मैंने उपाय बताता हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ अलग भी उपाय बताए थे, आपने वो फॉलो किए होंगे। सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आएंगी, प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स तो आना है, उनका नियति है, जो कि कर्मास के ऊपर बेस्ड है, पिछले जन्म के कर्मास के और इस जन्म के कर्मास पे। बट ये उपाय इंसान को पॉजिटिव बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं, और जो नेगेटिव और टफ टाइम आता है उसमें सेल थ्रू होने के लिए एक हौसला और एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिससे इंसान चलता रहता है। अदरवाइज़ हमेशा नेगेटिव 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 देख के इंसान का जो साहस है और जो धैर्य है वो छूट जाता है। तो हर वीक के जो राशिफल के हिसाब से मैं उपाय बताता हूँ, वो उपाय जितने भी पॉसिबल हो सकें आप करें। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, उनके साथ में उनको अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। वैश्विक राशि के बारे में। वैश्विक राशि का स्वामी है मंगल, शुभ रतन है मूंगा, शुभ रुद्राश है तीन मुख्य रुद्राश, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह भाग्य आपके साथ है। कार्य के प्रति आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम करने से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई यात्राएं भी सफल रहेंगी। छात्र मन लगाकर अपनी पढ़ाई करेंगे, हालांकि टेक्निकल फील्ड के छात्रों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक संबंधों में प्रागढ़ता आएगी, व्यवहारिक जीवन सुखमय रहेगा, विवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। सप्ताह स्वास्थ्य आपका पूरी तरीके से ठीक रहेगा, परंतु पिताजी के स्वास्थ्य समस्याएँ कुछ हो सकती हैं, आपको अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी मेहमान के आने की संभावना है, घर में धार्मिक या मांगलिक प्रसंग का आयोजन भी हो सकता है। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है, सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में मिठाई का दान करना शुभकारी रहेगा। हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, गर्दन में भारंगी के जल को धारण करें, ललाट पर केसर का तिलक करें, बरगद के पेड़ की जड़ को जड़ में दूध चढ़ाएं, अपने घर के अंदर लाल पुष्प वाले पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें। हमेशा लाल रंग का रुमाल या नैपकिन जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाएं तो अपने साथ जरूर लेके जाएं। रात को सर के पास पानी इस फटी के बॉल में रख के सोएं और सुबह इस जल को पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। दूध गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें, मीठा खाएं, दूसरों को भी मीठा खिलाएं, अतिथि सत्कार में पानी के बजाय शरबत या दूध पिलाएं। कुछ लोगों की सेवा करें, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। ये उपाय राशि के जातक करते हैं, आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। जीवन का सार, परेशानियां आएंगी, परेशानियां जाएंगी, कोई भी समय कांस्टेंट नहीं है। अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा, बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। ये जो उपाय हैं इंसान को अच्छे उन परिस्थितियों का आभास कराते हैं कि एक तो अच्छे समय में आपको कभी घमंड ना करें, बुरा समय आए तो इन उपायों की सहायता से, इन उपायों की मदद से आप उन का जो मैग्नीट्यूड है, जो मैलेफिक प्लैनेट का जो इम्पैक्ट आपके राशि पर आता है, उनको आप कंट्रोल कर सकें। ये उपाय आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, जब तक दूसरे के भले के लिए नहीं सोचेंगे, बाकी उपाय करने से केवल ये जो प्रॉब्लम्स आनी है वो डेफर होंगी। वो आप उपाय जब छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम्स वापस आएंगी। तो इसका मतलब है, जो मेन सार है वो है कि आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको हर एक किसी के भले के लिए सोचना है, कभी भी आपको सेल्फिश नहीं बनना है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, मांस मदिरा और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो माइंड को इम्पैक्ट करती हैं, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला समय आपके लिए अनुकूल रहे, आपके लिए सप्ताह अच्छा और सेहतमंद रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।